स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। अभी हम देखने वाले आईबीसी का क्वेश्चन है, आ जाइए पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो जाके समझ में आएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पहला सवाल आईबीसी का आपके क्वेश्चन में ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, व्हेन विल बी द प्रोविजन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इज एप्लीकेबल टू अ कॉर्पोरेट पर्सन। तो हमने ऑलरेडी ये देख लिया है, जब 1 लाख से ज्यादा का डेट हो और सीजी जब चाहे उसको बढ़ा सकता है अप टू 1 करोड़, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको आईबीसी के अंदर कवर करते हैं। दूसरा, मिस्टर एसपी बुक द ऑफिस स्पेस विथ एलिगेंट कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, एट द टाइम ऑफ बुकिंग 36 लाख वॉज पेड, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 10 लाख वॉज पेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी। He entered into a memorandum of understanding with a company having various terms and conditions of the sale. Allotment. According to MOU, Elegant Constructions Limited was acquired to build and deliver the possession of the unit within 2 years from the date of execution of MOU. It was also stipulated a payment of assured sum of 82,000 per month till the possession of the unit was delivered to Mr. SP Elegant Constructions Limited failed to pay the assured return. Thereafter, SP filed an application for initiation of insolvency resolution process. Decide about validity of the said application in the view of the provision of the insolvency and bankruptcy code. तो केस कुछ इस प्रकार था कि भाई एडवांस पेमेंट किया गया मिस्टर SP ने एलिगेंट कंस्ट्रक्शंस को और बोला मुझे ऑफिस स्पेस चाहिए, पहले कुछ 10-20 लाख रुपए दे दिए और उसके बाद में 36 लाख रुपए थे, उसके बाद में आई गेस 10 लाख रुपए ऑन द पोजिशन देने वाले थे और साथ में यह एग्रीड था कि जब तक के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होकर डिलीवरी नहीं मिलता एसपी को एलिगेंट कंस्ट्रक्शन 82,000 पर मंथ पे करेगा, पर वो पे नहीं किए 82,000 पर मंथ, इसलिए एसपी वालों ने केस कर दिया आईबीसी में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का। अब सबसे पहली बात तो क्या ये जो प्रॉमिस क्या है 82,000 का, क्या ये डेट है? पहली बात तो ये, तो मेरा आंसर है सिंपली इस केस में कि 82,000 का अमाउंट ये डेट नहीं है, इट वॉज सिंपली अ ट्रेड, इट इज अ सिंपल अ ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें 5 सबसेक्शन 7 डिस्कस किया है जो है कॉर्पोरेट जो है अपना फाइनेंशियल क्रेडिटर का, उसके अंदर 5(8) डिस्कस किया है जो है फाइनेंशियल डेट का, हालांकि फाइनेंशियल डेट का फुल सेक्शन डिस्कस नहीं किया है। अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है तो आपने फाइनेंशियल डेट की फुल डेफिनेशन देनी चाहिए, यह चीज आपने नोट करके रखना। फिर उसके बाद में देखो नीचे लिखा है प्योरली सिंपली इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल और परचेस ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से मैं आंसर देखू तो यहां पे एलिगेंट कंस्ट्रक्शन फेल टू पे द अश्योर्ड रिटर्न, देयर आफ्टर मिस्टर एसपी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग अ सीआईआरपी, मिस्टर एसपी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस मियरली बिकॉज सम अश्योर्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न हैज बीन प्रॉमिस्ड एंड इट स्टैंड्स ब्रीच, सच अ ट्रांजेक्शन वुड नॉट एक्वायर अ स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल डेट। इस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल डेट नहीं बोलते आएगा, हेंस इट सीम्स दैट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय मिस्टर एसपी स्टैंड्स इनवैलिड, क्योंकि ये ट्रेड है, ये फाइनेंशियल डेट नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कहीं कांसेप्ट नहीं है, 82,000 पर मंथ देने वाले थे एज अ कंसीडरेशन। जो भी है, अगला नवंबर 18 वाला सवाल, XY लिमिटेड फाइल्ड एन पिटीशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 विद एनसीएलटी अगेंस्ट डीएफ लिमिटेड एंड द पिटीशन वाज एडमिटेड, there were only 3 financial creditors, sirf 3 financial creditors the including XY limited, during a corporate insolvency resolution process the corporate debtor settled the claims of all the 3 financial creditors, whether such a settlement agreement could be termed as a valid resolution plan, settled the agreement of all 3 financial creditors, also discuss whether financial creditors in respect of whom there is no default can file an application before adjudicating authority for initiation of CIRP। अब सिंपली आप देखोगे थोड़ा आईबीसी के सवाल थोड़े से टफ आते हैं, फेमा जैसे सिंपल नहीं है, आपको दिमाग लगा के यहां पे बात करनी पड़ेगी। यहां बोला गया है कि 3 ही फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे, ड्यूरिंग इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस द कॉर्पोरेट डेटर्स सेटल ऑल 3 ऑफ देम, तीनों को पे कर दिया, एप्लीकेशन हो सकता है एक नहीं किया होगा, तीनों को सेटल कर दिया, क्या इसको हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान बोल सकते हैं? तो देखो नीचे आंसर के अंदर बेटा सिंपली पहले तो मेंशन किया है सेक्शन नंबर 5 और 7 जिसके अंदर क्लॉज 26 मेंशन किया है, मींस अ प्लान प्रपोज्ड बाय रिजोल्यूशन एप्लीकेंट फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड अकॉर्डेंस विद द पार्ट 3, साथ में ये बोला गया है सेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट फाइनेंशियल क्रिएटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली, देखो जॉइंटली वर्ड हमने वहां पर भी मार्क किया था हमारे बुक में, एज मे बी नोटिफाइड जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रिएटर और अदर सन
person on behalf of financial creditor as the may be notified by central government may file an application for initiating CIRP against corporate debtor. ठीक है, explanation 7 provides that default include default in respect of financial debt owned not only to applicant but also to any other financial creditor. किसी भी financial creditor को debt owned है तो भी उसको default ही बोला जाएगा. Hence financial creditor in respect of whom no default can file an application before adjudicating authority. So there is no default, वो application adjudicating authority को नहीं कर सकता. स्टार मार्क इस चीज को याद रखना. ठीक है, अगला given case discuss as follows. ठीक है, petition accept किया, तीनों financial creditor के dues पे किए. Hence it appears that settlement agreement cannot be termed as a valid resolution plan and resolution professional has to follow the process prescribed under the code. Financial creditor in respect of whom no default can file an application before adjudicating authority for initiation of CIRP. तो दो चीजें हमको यहां पे पता चल सकती हैं. Settlement agreement does not equal to CIRP. FC with no default will not apply for CIRP. ये दो चीजें हमको यहां समझनी है. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ है ना. कॉर्पोरेट इंश्योरेंस रेजोल्यूशन प्रोसेस में चौथा सवाल, Who may initiate a corporate insolvency resolution process against a corporate person? कौन इनिशिएट कर सकता है? सिंपल सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन कर सकता है. तो सबसे पहले बेटा फाइनेंशियल क्रेडिटर, दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर. फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके खिलाफ डिफॉल्ट हुआ है. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. सेक्शन 7 इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस के ऊपर सवाल है. एमटीपी मार्च 18 का सवाल है. स्टेट द मैनर ऑफ इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड. व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स? ये ऑलरेडी डायरेक्ट सवाल है, ऑलरेडी हमारे प्रोसेस के अंदर हम इसको देख चुके हैं. अगले सवाल पे मूव करते हैं. पूरा डिस्क्रिप्शन में देखो क्या क्या लिखा है, एक बार फिर भी देख लेता हूं. Initiation of CIRP, filing of application by adjudicating authority, उसके अंदर financial creditor apply कर सकते हैं jointly और together, ये बोला गया है. Default होना जरूरी है. ठीक है, furnishing of information, time period for determination of default, लंबा answer जा रहा है इसका. ठीक है, फिर commencement of CIRP जिस दिन से application accept हुआ, communication of order. अगला सवाल नवंबर 18 का सवाल है. ठीक है, बेस्ट बैंक अ फाइनेंशियल क्रेडिटर सेंट अ डिमांड नोटिस फॉर, अच्छा नवंबर 18 ओएस मतलब ओल्ड सिलेबस, डिमांड नोटिस फॉर क्लेम ऑफ 10.2 सीआर एक्सवाईजेड लिमिटेड अ कॉर्पोरेट डेटर ऑन 6 फरवरी 2018. मेरा पिटिशन वॉज फाइल्ड बिफोर एनसीएलटी अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016. बेस्ट बैंक क्लेम दैट द एक्सवाईजेड लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड 29.8 crore instead of original amount of 10.2 crore. NCLT appointed interim resolution professional. XYZ Limited made an appeal with the NCLT demanding the best bank's claim is not maintainable as there is a difference in the amount mentioned in the demand notice and application file under the code. Decide whether the contention of XYZ Limited is correct. Also state who can file a corporate insolvency resolution process under the code. So simply demand notice, pehle dekho petition kiya. बेस्ट बैंक फाइनेंशियल क्रेडिटर डिमांड नोटिस फॉर क्लेम ऑफ 10.2 crore ऑन एक्सवाईजेड कॉर्पोरेट डेटर ऑन 6 फरवरी 2008. पिटिशन वॉज फाइल्ड बिफोर एनसीएलटी अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड. बेस्ट बैंक क्लेम दैट एक्सवाईजेड लिमिटेड डिफॉल्टेड 29.8 crore इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल 10.2 crore. अमाउंट भरा हुआ है बच्चों. तो आइए रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर. सबसे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर इधर हिमसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर में फाइल एंड सीआईआरपी एप्लीकेशन. फर्निश रिकॉर्ड्स ऑफ द डिफॉल्ट, नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. डिफॉल्ट इंक्लूड्स डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेट ओन नॉट टू द एप्लीकेंट बट टू एनी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर. Person who may initiate CIRP, corporate insolvency resolution process, a financial creditor, a operational creditor, a corporate debtor, ये भी mention करके रखा है क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन कौन apply कर सकता है. नीचे आ जाइए,
बेस्ट बैंक, फिर फैक्ट्स दिए हैं कि भैया इतना ड्यू था, इतना क्लेम किया, एनसीएलटी ने इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया, इन्होंने अपील किया, ठीक है। एक्सवाइजेड लिमिटेड मेड एन अपील टू एनसीएलटी, एक्सवाइजेड का ड्यू था बैंक के खिलाफ पर 10.2 था, यहां 29.8 बोला। इंटरिम एक्सवाइजेड अपील टू एनसीएलटी डिमांडिंग दैट बेस्ट बैंक्स क्लेम इज नॉट मेंटेनेबल एज देयर इज डिफरेंस इन द अमाउंट मेंशन इन द डिमांड नोटिस एंड एप्लीकेशन फाइल्ड। कंटेंशन ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड इज नॉट करेक्ट एज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड नोटिस इन द केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। ये चीज बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, डिमांड नोटिस की यहां पे कोई जरूरत नहीं है फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में, ठीक है। और ये डिमांड नोटिस वैलिड है इनवैलिड है ये सेटलमेंट के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। अगर ये ऑपरेशनल क्रेडिटर होता तो आंसर सही होता था, लेकिन यहां डिमांड नोटिस की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर 29.8 करोड़ ड्यू नहीं है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर दोनों ने इसको सेटल करके एनसीएलटी को अमाउंट बोलना है, सेटलमेंट के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के उसको एनसीएलटी को बोलना है। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। इसी ही चीज को हम कहते हैं रिजोल्यूशन प्लान। तो बहुत सारे बच्चों को इसके आंसर समझ में नहीं आते, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना, बहुत टफ होते हैं आईबीसी के क्वेश्चन नॉर्मली। मॉक टेस्ट का वाला सवाल है, विजडम लिमिटेड कमिट्स अ डिफॉल्ट अगेंस्ट अ डेट टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रेडिटर, मिस्टर एफ ही इनिशिएट अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट अ विजडम लिमिटेड एज द कंपनी डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट ऑफ रुपीज 2 लाख। इन द मीन टाइम मिस्टर एक्स अनदर फाइनेंशियल क्रेडिटर देयर ऑफ फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर द इनिशिएटिंग ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। पहले मिस्टर एफ ने फाइल किया, व्हाट द एफ, और फिर मिस्टर एक्स ने फाइल किया। एग्जामिन विद रेफरेंस टू वैलिडिटी ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन ऑफ मिस्टर एक्स। देखो मैंने सीआरपी में ऑलरेडी एक चीज बोली है, कोई एक एप्लीकेशन आया और दूसरा एप्लीकेशन बाद में आया तो उसको लाइन में खड़ा किया जाता है, सेपरेट एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाता। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 वेयर कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर में इनिशिएट सीआरपी। सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर में फाइल एप्लीकेशन व्हेन डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड। इन द गिवन केस मेंशन किया है कि इन्होंने एप्लीकेशन किया। एज पर द फैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन डिफॉल्ट हैज बीन कमिटेड ओनली अगेंस्ट मिस्टर एफ नॉट अगेंस्ट मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के खिलाफ कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में मिस्टर एफ इज एंटाइटल टू फाइल एन एप्लीकेशन। सिंस गिवन इन द डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड ओनली अगेंस्ट मिस्टर एफ, सो नो एप्लीकेशन ऑफ सीआरपी कैन बी इनिशिएटेड बाय मिस्टर एक्स। आप सीआरपी का एप्लीकेशन तभी कर सकते हो जब आपके खिलाफ डिफॉल्ट है। तो यहां पे लिख के रखूंगा एप्लीकेशन ओनली व्हेन डिफॉल्ट अगेंस्ट FC is made, ठीक है। 8 और 9 सेक्शन के ऊपर सवाल है, आ जाइए। सेट द मैनर ऑफ इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ऑपरेशनल क्रेडिटर किस तरीके से कर सकता है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, हमने इसका पूरा प्रोसेस देखा हुआ है, तो इसको रीड कर लेना एक बार। अगले सवाल के ऊपर मैं जाता हूं। TAS Constructions Private Limited operational creditor on 2nd April being a default date, the default date issued a demand notice through speed post to Dhiraj Constructions Private Limited, an unpaid operational corporate debtor, demanding a payment of the invoice dated for 5,60,000, 15 days payment term towards supply of certain works contract service as per the provision of section 81. Insolvency Bankruptcy Code and Rules Framed Thereunder. Dhiraj Construction Private Limited on receipt of the demand notice inform operational creditor that void their email dated 30th March address to company and all its director they have disputed the invoice on quality of service rendered and were withholding the payment till dispute is settled without the initiating a CIRP proceeding or legal proceeding. अब देखो क्या बोला है, अब यहां 10 दिन के टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है डिमांड नोटिस के बाद। आपको पता है ना ऑपरेशनल क्रेडिटर ने डिमांड नोटिस देने का 10 दिन में आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑन 2nd अप्रैल द डिफॉल्ट डेट इशूड द डिमांड नोटिस, 2 अप्रैल को नोटिस इशू किया है डिमांड नोटिस, और इन्होंने 30th मार्च को एड्रेस किया है, ठीक है। The operational creditor on expiry of the period of 10 days from the delivery of the demand notice, on the receipt of the demand notice, informed operational creditor about on 30th March, उन्होंने already बोल दिया है, मतलब 30th March को उन्होंने already बोला था, there is dispute, फिर 2nd April को operational creditor ने demand notice issue किया है। तो इन्होंने 10 दिन
अब ऑब्वियसली बात है, 2 अप्रैल से 10 दिन उन्होंने रुके होंगे, 12 अप्रैल तक के रुके होंगे, और 12 अप्रैल तक उन्होंने देखा होगा 10 डेज ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस एंड नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज अप्रोच्ड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन सच अ केस विल द एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशनल क्रिएटर फाइल्ड अंडर 9(1) रेड विथ 8(2) ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बी परमिटेड. तो अब सवाल है कि भैया ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया था जब डिमांड नोटिस आया उसके पहले ही रिप्लाई कर दिया था, तो अब क्या आंसर आना चाहिए? पहले तो हमने ये लिख लिया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे अप्लाई कर सकता है, फिर डिमांड नोटिस और 10 डेज के अंदर उसने रिप्लाई करना है, ये भी हमने लिख लिया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में. ठीक है, फिर हम आ गए नीचे एक्सप्लेनेशन आंसर पे, और देखो यहां पे आंसर ठीक है. धीरज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑन रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस 30 मार्च को उन्होंने किया है, ऑलरेडी बोल दिया, ऑफ द डिस्प्यूट इनवॉइस विथ होल्डिंग द पेमेंट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय टीएस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेशनल क्रिएटर इज नॉट परमिटेड ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट, क्योंकि ऐसा माना जाएगा डिस्प्यूट ऑलरेडी, डिस्प्यूट के लिए ऑलरेडी नोटिस 30 मार्च को भेजा हुआ है. तो सवाल अच्छा था, काफी अच्छे से इसको देखना. फिर May 18 का सवाल है, रोज गार्डन लिमिटेड वॉज इनकरिंग कंटिन्यूस लॉसेस एंड फाइनेंशियल पोजिशन वेंट बैड टू वर्स. ब्लैकस्टोन प्राइवेट लिमिटेड अ ट्रेड क्रिएटर इशूड अ नोटिस अंडर 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द रोज प्राइवेट लिमिटेड ऑन द ग्राउंड दैट रोज गार्डन लिमिटेड वॉज अनेबल टू पे द डेट. After some time, Blackstone Private Limited, being an operational creator, filed a petition before the adjudicating authority to initiate insolvency process under IBC. Demand notice and the copy of the invoice were not served on the Rose Garden since notice was earlier issued for the winding up. All the formalities were complied with adjudicating authority to initiate a CIRP by admitting the application and appointed resolution professional. After complying with requirement formalities, adjudicating authority issued an order for moratorium and other relief within a stipulated time. Being aggrieved by the order of adjudicating authority, Rose Garden Limited filed an appeal before NCLT under insolvency and bankruptcy code. हुई बात ये कि एक बंदे ने application file किया है winding up chapter में company को बंद करने के लिए, और दूसरे ने file किया है application under IBC chapter में settlement के लिए. हालांकि IBC में proceeding NCLT ने शुरू कर दिए थे, पर किसी ने appeal किया कि जब winding up में already appeal pending है तो IBC में आपने proceeding कैसे शुरू किए? तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आईबीसी के प्रोसीडिंग कंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि आईबीसी ओवरराइड्स द कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो जरा आंसर के ऊपर आइए. वही लिखा है उन्होंने, ऑपरेशनल क्रिएटर का एप्लीकेशन, फिर उसका डिमांड नोटिस, डिस्प्यूट एक्सेट्रा, 10 डेज में रिप्लाई वगैरह. अब जरा आ जाइए यहां पर, इन्होंने पूरा क्या पूरा फाफट पर क्या देखे रखा है, ये देखिए. In a present case, demand notice and the copy of invoice were not served to Rose Garden on a ground that notice was earlier issued for winding up. Notice issued earlier for winding up cannot be treated as demand notice. Haan. A demand notice and a copy of invoice was not served. Order issued by adjudicating authority does not seem to be proper. हाँ, इस केस में IBC prevail तब करता था जब आपने demand notice और invoice properly दिया रहता. Means if demand notice and invoice ये सर्व किया है तो ही केस आईबीसी का बनता है, अदरवाइज नॉट सर्व्ड प्रॉपरली तो इट विल बी द केस ऑफ वाइंडिंग अप. हेंस रोज गार्डन लिमिटेड विल सक्सीड इन इट्स अपील, इट विल सक्सीड इन इट्स अपील. ये चीज को आपने याद रखना. फिर उसके बाद में अगला केस लॉ के ऊपर जाते हैं, आ जाइए. Standard International Limited, who is a foreign trade creditor having the office in Hong Kong, wanted to file a petition under IBC code on default of the debtor in India. It moved a petition under section 9 of the code seeking commencement of insolvency process. The foreign company was not having the office or the bank account in India because it is couldn't submit a certificate of financial institution as required under the code. Examine whether petition is permissible under insolvency bankruptcy code. तो हमें तो भैया financial institution का certificate चाहिए, मतलब चाहिए. The requirement of the certificate from financial institution subject to availability permissible. Furnishing of certificate financial institution is not mandatory बोला है. Oh my God, star mark करके रखना. खास केस ही है, इसको अच्छे से पढ़ना कि financial institution का certificate ये subject to availability होता है, not mandatory. तो यहाँ पे लिख के रखूँगा. एक और सीख हम जो आज पढ़े हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट इज रिकमेंडेड नॉट मैंडेटेड. ठीक है, स्टार मार्क.
ओके, मैं चाहूंगा इसको याद रखना, एक बार आप आंसर रीड कर लीजिए। अच्छा सवाल है। चलो रेडी कर लिया, इसके बाद में अगले सवाल के ऊपर जाते हैं। टफ है हाँ, आईबीसी के सवाल दो चार बार पढ़ने पड़ेंगे आपको। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑलरेडी देख चुके हैं हम, डायरेक्ट सवाल है, देख लेना एक बार, बड़ा आंसर है इसका। इन द व्यू ऑफ द डीप रिसेशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स, मेसर्स इंफ्रा लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर, मेसर्स इनका कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है, सो कॉर्पोरेट डेटर विच वॉज फेसिंग अ बर्नट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कुड नॉट पे अ सैलरीज एंड वेजेस टू द वर्कमैन, नॉट पे सैलरीज एंड वेजेस टू द वर्कमैन एम्प्लॉइज फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। द वर्कमैन एंड द एम्प्लॉइज हु आर मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन इंफ्रा लेबर फेडरेशन मेड अ कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड, देयर आफ्टर द ट्रेड यूनियन अप्रोच द अर्ज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन पर्सन थ्रू रिप्रेजेंटेशन राइटिंग टू सेटल द अरियर्स ऑफ वेजेस एंड द सैलरीज ऑफ द मेंबर। द कॉर्पोरेट डेटर नीदर डिस्प्यूटेड नॉर टू कनेक्शन टू सेटल द अमाउंट। अंडर द सर्कमस्टेंसेस इंफ्रा लेबर फेडरेशन फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू इनिशिएट अ सीआईआरपी। वर्कमैन और एम्प्लॉइज ने अप्लाई किया है, क्या वर्कमैन एम्प्लॉइज अप्लाई कर सकते हैं? यस, बिकॉज वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज आर ऑपरेशनल क्रिएटर और कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर में जब फाइनेंशियल क्रिएटर नहीं रहते तो हम वर्कमैन और एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेते हैं, अगर आपको याद होगा तो। In the light of the provision of insolvency bankruptcy code, examine the following: validity of application valid. What will be the initiation date for initiating corporate insolvency resolution process? Initiation date जिस दिन application accept हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो operational creditor का data लिखा है। What is operational creditor? Definition देना जरूरी है। Operational date का definition यहाँ पे दिया गया है। ऑपरेशनल क्रिएटर का मीनिंग दिया है। 10 दिन का डिमांड नोटिस वगैरह सब मेंशन किया है यहाँ पे। प्रोसेस मेंशन किया है। मैं सीधा आता हूं आंसर पे। इन केस ऑफ मजदूर मोर्चा वर्सेस जुग्गीलाल कमलपत जूट मिल्स, केस का नाम बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। नॉर्मली आईबीसी में लेटेस्ट केस लॉज लिए जाते हैं बेटा, लेटेस्ट केस लॉज जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 15 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जो लेटेस्ट केस लॉज आपको कहां से मिल सकते हैं? आईबीबीआई के वेबसाइट। ये वही केस है जो लेटेस्ट केस लॉज में था। मतलब आपको ये केस लॉज नियरली देखने पड़ेगा एग्जाम के 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले। अगर आपका नवंबर के एग्जाम है तो 30 अप्रैल तक के जितने केस लॉज अप्लीकेबल होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, और ये रिलीज करती है इंस्टीट्यूट। अगर पॉसिबल हुआ तो इसके ऊपर मैं देखूंगा, लेक्चर दे सकता हूं, तो नहीं तो आपने एक बार इसको रीड करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। लेटेस्ट केस लॉज आईबीसी में पूछते हैं, कई बार आपके न्यूज लेटर में भी दिए करते हैं, तो आप न्यूज लेटर से भी पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। सो आंसर देखना, एप्लीकेशन मेड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय इंफ्रा लेबर फेडरेशन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इज वॉइड, सॉरी वॉइड नहीं वैलिड, means the date on which financial creditor, corporate applicant, operational creditor as the case may be makes an application to adjudicating authority for initiation of corporate insolvency resolution process. इसे हम initiation date कहते हैं, और हमारा insolvency commencement date रहेगा कौन सा date? जिस दिन NCLT application accept करेगा, ठीक है। So सवाल अच्छा था, इस चीज को याद रखना। workmen और employees को भी हम लेते हैं काय में, operational creditor। Next वाला क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर 10 पे है, एडमिशन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ऑलरेडी हमने कई बार देखा है इसको, आगे बढ़ते हैं। पर्सन नॉट एंटाइटल टू मेक एप्लीकेशन, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ पर्सन इज नॉट एंटाइटल टू मेक एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट अ सीआईआरपी।
सपोज अ कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट एंड इज अंडर गोइंग थ्रू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मिस्टर एक्स देयर ऑफ फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी स्टेट वेदर मिस्टर एक्स इज एंटाइटेड टू मेक एप्लीकेशन टू इनिशिएट सीआईआरपी कॉर्पोरेट डेटर कमिटेड अ डिफॉल्ट एंड इज अंडर गोइंग थ्रू सीआईआरपी प्रोसेस ऑलरेडी. अगर आप ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस में है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं. चार केस में ऑलरेडी यू आर इन सीआरपी प्रोसेस, पिछले 12 महीने में सीआरपी किया है, पिछले 12 महीने में कॉन्ट्रावेंशन किया है, अगर आपने किसी भी सीआरपी प्रोसेस का या आपके खिलाफ लिक्विडेशन ऑर्डर किया है तो सीआरपी नहीं हो सकता. तो देखो अंडर गोइंग थ्रू सीआरपी, हैविंग कंप्लीटेड सीआरपी इन लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, वायलेटेड द टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड. नीचे टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआरपी, इज देर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ऑब्वियसली 180 डेज प्लस 90 डेज और अभी तो अमेंडमेंट के हिसाब से 330 डेज मैक्स, ठीक है. तो आ जाइए यहां पे ऐड करना, ऐड 330 डेज वाला, ठीक है, 330 डेज वाला अमेंडमेंट यहां पे ऐड करना, ठीक है. ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इसको स्टार मार्क, ठीक है. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर वो है 16 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को ये चाहिए, ठीक है, लिख के रखना, गो फॉर इट फर्स्ट. चलो डन, फिर जाते हैं सेक्शन नंबर 12 ए के ऊपर, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना. नवंबर 17 का सवाल है, नेचर इंडिया लिमिटेड फाइल्ड पिटिशन अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड विथ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगेंस्ट ट्यूलिप लिमिटेड एंड द पिटिशन वॉज एडमिटेड, पिटिशन एडमिट हो गया. After that, नेचर इंडिया लिमिटेड wanted to withdraw a petition based on settlement arrived between the parties. Whether it is permissible to withdraw the petition as once it is admitted, also explain rules relating to admission and rejection of the application by adjudicating authority. 90% अगर accept करे तो petition withdraw हो सकता है. देखो 90% voting of the committee of creditors in such a manner as may be specified. ठीक है?
एप्लीकेशन कब एक्सेप्ट होता है एफसीओसी का, ये भी मेंशन करके रखा है। ठीक है, नीचे सच विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन कैन बी परमिटेड बाय एनसीएलटी इफ पिटिशन रिक्वेस्टिंग द सेम मेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन द नेचर लिमिटेड विड्रॉवल एप्लीकेशन बाय 90% ऑफ वोटिंग शेयर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। फिर आता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के ऊपर के सवाल। विजडम लिमिटेड कमिट्स अ डिफॉल्ट अगेंस्ट अ डेट टेकन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर मिस्टर एफ, ये ऑलरेडी हो चुका है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है सवाल, रिपीट पढ़ लेना। उसके बाद में व्हाट इज रेजोल्यूशन प्लान, ये भी हो चुका है मॉड्यूल का, मॉड्यूल के अंदर ये सवाल दिया है। मोरेटोरियम और पब्लिक नोटिस के ऊपर सवाल आ रहे हैं, आ जाइए, लेट्स गो। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस एनसीएलटी डिक्लेयर्ड अ मोरेटोरियम अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटा। Within a month of declaration, corporate debtor dispose his property, state the validity. Moratorium में आप property dispose नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, unless it is a ordinary business, unless it is ordered by government, तब तक के आप moratorium में कोई भी litigation या property बेच नहीं सकते। So moratorium is a calm period of 180 days, जो शुरू होगा और खत्म होगा। नीचे क्या क्या बैन है moratorium में, institution of suit and continuation of legal proceedings, ट्रांसफरिंग encumbering, एलिनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और लीगल राइट, एनी एक्शन ऑफ फोरक्लोजर एक्सेट्रा, फोरक्लोजर और रिकवर और एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय ओनर और द लेसोर। ठीक है, यह सब चीजें बैन है। अब आंसर देखते हैं। द ट्रांजेक्शन कॉर्पोरेट डेटर मोरेटोरियम 180 डेज कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी इज प्रोहिबिटेड, ये ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। सो सच एन एक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज नॉट वैलिड, ये एक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट M18 का सवाल है, मेसर सिस्टमेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अपीलेंट कॉर्पोरेट डेटर हैज चैलेंज्ड द ऑर्डर डेटेड 3rd जुलाई 2017 पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई ब्रांच, मुंबई बेंच इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। NCLT had admitted the application preferred by appellant under section number 10 of the CIRP process and ordered the moratorium was passed and insolvency resolution professional was ordered to be appointed by the adjudicating authority. The given only grievance of the appellant its challenge is that the movable and immovable property of guarantor promoter has been attached pursuant to a corporate insolvency resolution process initiated under section 10 against appellate of LD, appellant of LD that is adjudicating authority, which is in violation of section 14C of the insolvency bankruptcy code. Promoter jo guarantor tha uske personal property aapne attach kiya hai, ye petition kiya gaya tha। अब मुझे तो प्रमोटर की पर्सनल प्रॉपर्टी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो रिगार्डिंग अटैचमेंट, तो इसके लिए केस हुआ था, मैं केस को अंडरलाइन करता हूं। श्वेजर सिस्टमैटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फिनिक्स एआरसी ओवरसीज, इसको मैं स्टार मार्क करता हूं, प्लीज एक बार इसके आंसर को रीड कीजिए। ऐसे सवाल पूछते हैं लेटेस्ट केस लॉस के अंदर, इसको हमने कवर करना है। ठीक है, तो इस आंसर को रीड कीजिए, स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको पढ़ना ही चाहिए। और देखिए क्या आंसर आ रहा है,
चलो डन। ये सवाल के बाद अगला सवाल डायरेक्ट है, इस सवाल को आपने स्टार मार्क कर लिया सबने, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क। मॉड्यूल के अंदर सवाल दिया था वो हमने ले लिया, ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम। अगला सवाल, यू आर अपॉइंटेड एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन एक्सवाईजेड लिमिटेड अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, सेट द टाइम लिमिट टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, ऑल्सो स्टेट द प्रोटोकॉल फॉर इश्यूएंस ऑफ पब्लिक नोटिस, व्हाट शॉल बी आर द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक अनाउंस, हु शॉल बी आर द एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट के। देखिए यहां पे, द एक्सपेंस पब्लिक अनाउंसमेंट आर बॉर्न बाय अप्लीकेंट विच मे बी रिइंबर्स्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, अप्लीकेंट करेगा सीओसी उसको रिफंड करेगा, यह आज ही हमने लिखा था। अगला, ड्यूटीज ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अच्छा ये डायरेक्ट सवाल था इसके पहले का इसलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मध्यम वॉज अपॉइंटेड एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग अ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस रेजोल्यूशन प्रोसेस, व्हाट आर ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय मिस्टर मध्यम इन गिवन कैपेसिटी, ड्यूटीज ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये भी डायरेक्ट सवाल है, ऑलरेडी हमने इसको देखा हुआ है, चलिए तो एक बार रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। ड्यूटीज ऑफ आईआरपी हमने देखा है ना, पढ़ लीजिए एक बार। चलो डन। अगला सवाल मॉड्यूल का है, मिस्टर जेड वॉज कंटिन्यूइंग एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन अ कंपनी, द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स मेजोरिटी ऑफ वोट ऑफ फाइनेंशियल क्रिएटर प्रपोज टू अपॉइंट मिस्टर फाइनल एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, द सेड प्रपोजल वॉज कन्फर्म्ड बाय बोर्ड आफ्टर 10 डेज, स्टेट वेदर मिस्टर फाइनल इज अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। हाँ लेकिन यहां बोला है उन्होंने मेजोरिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रिएटर, मेजोरिटी ऑफ वोट, अगर मेजोरिटी वोट है 51% से नहीं होगा, 66% वोटिंग चाहिए। दूसरी बात, 10 डेज बाद अगर आईबीबीआई ने बोर्ड ने अप्रूव किया है तो जब तक 10 डेज एक्सपायर नहीं होते, जब तक अपॉइंट नहीं होता, आईआरपी विल वर्क एज अ आईआरपी विल वर्क फॉर दिस केस, ठीक है, यह चीज को आपने अच्छे से याद रखना। तो देखिए आंसर क्या है, No, as per the code, board does not confirm the proposed name of RP within 10 days of receipt of proposal. The adjudicating authority shall direct IRP to continue as a RP for such a time as the board will confirm the appointment of RP. यही चीज हमने लिखी है, लेकिन यहां पे हम assumption ले रहे हैं, assumed COC pass 66% vote.
ये हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं, ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, कॉन्टिनेंटल रबर लिमिटेड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू अ स्मूथ लैटेक्स लिमिटेड, इट फाइल्ड अ पिटिशन बिफोर एनसीएलटी फॉर रिकवरी ऑफ 10 लाख फॉर स्मूथ लैटेक्स लिमिटेड फ्रॉम स्मूथ लैटेक्स लिमिटेड। स्मूथ लैटेक्स लिमिटेड द कॉर्पोरेट डेटर हैज अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ 1.50 करोड़ एंड दे ऑल्सो ज्वाइंड together and filed a petition to NCLT. The corporate debtor has total 40 financial creditors and 2 operational creditors. Further, all the financial creditors are having equal voting shares. Notice was issued on 1st August 2018 for conduct of the first meeting to be held on 5th August 2018 at the common venue. The meeting was attended by all 40 financial creditors, 2 operational creditors. The resolution was passed by appointed by TK as a resolution professional. 25 financial creditors voted in the favor of the resolution. Voted in favor, 25. 40 mein se 25 vote kiye. And 10 voted against the resolution and 5 financial creditors and 2 operational creditors abstained from voting. Decide whether the resolution is passed is valid or not. Majority ne pass kiya hai 40 mein se. और 10 और 2 का ऑपरेशनल क्रिएटर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि ऑपरेशनल क्रिएटर तो वैसे भी वोट नहीं कर सकते मीटिंग के अंदर। हालांकि उनको नोटिस ही क्यों दिया, अगर उनका डेट 10% से ज्यादा है तो नोटिस देना है। ठीक है, फिर यहां पे फर्स्ट मीटिंग के बारे में मैंने लिखा है सब कुछ, कोरम ऑफ मीटिंग वगैरह सब लिखा है। थ्री डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर 3 दिन में होल्ड किया, सो वैलिड है। कोरम रिक्वायर्ड वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, इसलिए भी वैलिड है, इसलिए भी कोरम की प्रोविजन रिक्वायर्ड है। 66% फाइनेंशियल क्रिएटर्स वोट फॉर रेजोल्यूशन, हाउएवर गिवन इज 71% वोटेड इन फेवर ऑफ टीके, हेंस सेड अपॉइंटमेंट इज वैलिड। ठीक है, हालांकि ऑपरेशनल क्रिएटर को गिनेंगे नहीं, तो यहां पर एक नोट एड करना, ओसीज वोट एनीवेज नॉट कंसिडर्ड, ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मॉड्यूल का, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान विद रिस्पेक्ट टू अ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय मोर देन 50% ऑफ वोटिंग शेयर्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेट वेदर डिसीजन गिवन ऑन द रेजोल्यूशन प्लान इज बाइंडिंग ऑन ऑल कॉर्पोरेट डेटर ऑल इट्स क्रेडिटर्स। सो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन प्लान विद रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय मोर देन 50% वोटिंग शेयर्स। ठीक है, सीओसी ने मोर देन 50% वोटिंग शेयर से किया ऑफ फाइनेंशियल क्रिएटर, 50% से होता नहीं है ना, हमें 66% चाहिए रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के लिए। सो नो एज पर द कोड रेजोल्यूशन प्लान शॉल बी अप्रूव्ड बाय कमिटी ऑफ क्रिएटर्स वोट नॉट लेस देन 66% ऑफ द वोटिंग, ये चीज को आपको समझना जरूरी है। अगला, रामलाल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वॉज अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएटेड अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर मॉन्टेक लिमिटेड। Montek Limited. Mr. Ramlal is a partner of consulting firm Supervision and Company, which is entity recognized under IBBI. It was discovered that Mr. Supervision and Company had a transaction with the Montek Limited amounting to 11% of the gross turnover. Analyze given situation, insolvency bankruptcy code, validity of appointment of Mr. Ramlal. क्या Mr. Ramlal यहां पे resolution professional बन सकता है? नहीं. Disqualifications of resolution professional में लिखा है कि you should not be involved or a partner of any of the firm who receives 10% of turnover from the corporate debtor. और यहां तो 11% of the turnover receive किया है, तो क्या Mr. Ramlal यहां qualified है? तो यहां पे देखना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए काफी सारे प्रोविजंस लिख के रखे हैं। सो यहां पे देखना, मिस्टर रामलाल बीइंग अ पार्टनर ऑफ द फर्म मेड अ ट्रांजैक्शन फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द फर्म इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, सो हिज अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मॉन्टेक लिमिटेड इज नॉट वैलिड। यहां पर 10% चाहिए, 5% नहीं 10%, इस चीज को याद रखना। What is the eligibility criteria for appointment of insolvency resolution professional and resolution professional for corporate insolvency resolution process? क्या eligibility criteria है? तो देखो, he is eligible to be appointed as independent director, not a related party to corporate debtor. He is not an employee, proprietor, partner of the firm of auditors or secretaries in practice or cost auditors in last three financial year. और 10% तक के उसका
टर्नओवर के अंदर हिस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये भी चीज बोल दी, यहाँ 10% लिखा हुआ है, मॉड्यूल में कई जगह पे डिस्प्यूटेड है, एक जगह पे मॉड्यूल में 5% लिखा है, दूसरे बेयर टेक्स में 10% लिखा है, तो आपने इसको 10% ही मानना है। ये चीज कंफर्म है, मॉड्यूल में हो सकता है इसको 5% लिखा हो ओल्ड में, लेकिन 10% ही मानना है। अगला, अगले सवाल पे जाते हैं। द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स ऑफ मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड पजेस प्रपोज टू अपॉइंट मिस्टर अजीत एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज आईआरपी इन द मैटर ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। मिस्टर अजीत वॉज प्रमोटर ऑफ एबीसी लिमिटेड विच इज होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो ऑब्वियसली बात है डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चलता, यह आईडी का डिस्क्वालिफिकेशन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन। जब आपका कंपनीज एक्ट हो जाएगा ना तो आपको ये डिस्क्वालिफिकेशन समझ में आएगा, फर्स्ट रिवीजन के वक्त जब आप रिवाइज करोगे उस वक्त समझ में आएगा, ठीक है, थर्ड रिवीजन वगैरह के वक्त आपको ये समझ में आएगा, ये चीज को याद रखना। ऑफ होल्डिंग कंपनी अजीत इज रिलेटेड पार्टी टू कॉर्पोरेट डेटर, देयरफॉर मिस्टर अजीत इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट बिकॉज ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी आईडी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 19 का सवाल है। PQR लिमिटेड इज लिस्टेड एंटिटी विच इज सब्सिडरी ट्विंग लिमिटेड, स्टेट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विच रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिडरी लिस्टेड एंटिटी एज पर द सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। अब ये सेबी एलओडीआर का क्वेश्चन यहां कहां से आया, ये सेबी एलओडीआर का है, गलती से क्वेश्चन यहां आ गया होगा, ठीक है, सो इसका यहां कोई रिलेवेंस नहीं है, यहां कहां से आ गया समझ में ही नहीं आया। ओके, दो सवाल बाकी है, आ जाइए। व्हेन कैन अ कॉर्पोरेट पर्सन इनिशिएट वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, अरे वाह क्या बात है, मिस्टर एक्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेशन प्रोसेस ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फाइंड्स दैट ट्रांजैक्शन वाज मेड बाय कॉर्पोरेट डेटर टू हिज रिलेटेड पर्सन टू इज रिलेटिव सिक्स मंथ्स प्रीसीडिंग सीआईआरपी, मतलब प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन भी है, अच्छा सवाल है, मतलब स्टार मार्क प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, स्टार मार्क। स्टेट द वैलिडिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ सच अ ट्रांजेक्शन बाय कॉर्पोरेट डेटर और इज रिलेटिव, वट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस वेन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डिटरमाइंस सच अ ट्रांजेक्शन अंडर वैल्यूड एंड फेल्स टू रिपोर्ट टू एनसीएलटी। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं करता है तो क्रेडिटर मेंबर तो रिपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसे केस में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ भी प्रोसीडिंग करेगा आईबीबी, ठीक है, तो इसका एक बार आंसर पढ़ो, क्वेश्चन अच्छा है।
चलो पढ़ लिया है सबने? यस सर। ओके, ये होने के बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आईबीसी का। क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स का क्वेश्चन है। ओके, द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट्स टू अ बिग रेमी प्राइवेट लिमिटेड व्हिच हैज गॉन थ्रू सीआरपी प्रोसेस। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम लिक्विडेशन ऑफ एस्टेट, सिक्योर्ड क्रेडिटर हु हैज रिलिंक्विश्ड द राइट्स ऑफ द सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स पेबल, उसके बाद में सेस पेबल, फीस पेबल टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वर्कमैन सैलरी पेबल। अच्छा, सबसे पहली बात, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट 14 लाख, सिक्योर्ड क्रेडिटर हु हैज रिलिंक्विश्ड द सिक्योरिटी 5 लाख, 14 और 5 19 लाख ये हो गए। अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर बाद में, इनकम टैक्स पेबल विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, सेस पेबल टू गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये हुआ कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। सिंपल है आंसर, ठीक है। सबसे पहली बात क्या क्या लेंगे हम, फीस पेबल टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फर्स्ट 75,000, एक्सपेंस इनकर्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दूसरा, वर्कमैन सैलरी ऑफ 24 मंथ्स, बैलेंस 60,000 इज कंसिडर्ड एज रिमेनिंग डेट्स ड्यू विद द सेटल्ड बिफोर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब अदर ड्यूज के अंदर कंसिडर किया जाएगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर हु हैज रिलिंक्विश्ड द राइट्स 5 लाख सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स 4 लाख, इनकम टैक्स पेबल 50,000, सेस टू गवर्नमेंट 20,000, बैलेंस अमाउंट ऑफ वर्कमैन सैलरी 60,000, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 13,70,000, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम लिक्विडेशन एस्टेट 14 लाख, गेम ओवर, बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ऑन प्रो राटा बेसिस 30,000, ठीक है। व्हाट इज फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का सवाल है। As on March 31st, the audited balance sheet of Messer Sharp Industries Limited revealed a total asset of 1 crore. In the capacity of corporate debtor, filed an application with adjudicating authority, initiation of Fast Track CIRP. Whether the application made by Sharp Industries for initiating Fast Track CIRP, क्या ये limit में है? क्योंकि उन्होंने उनके total asset 1 crore दिखाया है, ठीक है? Time period during which the extension of time within which fast track CIRP should be considered. तो हमने ऑलरेडी देखा है कि fast track CIRP किस किस के लिए अवेलेबल है। आ जाइए, सो ये अज्यूमिंग इट इज अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड होता तो FTCIRP नहीं होता था, इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55, क्लियर है? और फिर FTCIRP का पूरा प्रोसेस लिखा गया है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? चल रहा है, लास्ट क्वेश्चंस नहीं, और भी सवाल है। अरे वाह, और भी सवाल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, हो गया सबका, एक बार उसका आंसर रीड कर लीजिए, FTCIRP का आपको याद होना चाहिए।
चलो डन एवरीबडी, अगले सवाल पे जाते हैं, वॉलेंटरी लिक्विडेशन। सो व्हेन कैन अ कॉर्पोरेट पर्सन इनिशिएट अ वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, आपको ऑलरेडी पता है डेथ शेड्यू नहीं होनी चाहिए, असेट्स मोर देन लाइबिलिटीज होनी चाहिए, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैल्यूएशन के हिसाब से, बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का स्पेशल, अगर वॉलेंटरी करना है, समय खत्म हुआ है तो ऑर्डिनरी, इवेंट कंप्लीट हुआ है तो भी ऑर्डिनरी, और 7 डेज के अंदर आपने क्रिएटर्स का 2/3 अप्रूवल लेना है 66.67%, बोर्ड से जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन का जो समय है वो है 4 वीक्स का, ये आपने कर दिया, 7 डेज के अंदर फाइलिंग कर दो, आपका वॉलेंटरी लिक्विडेशन हो जाएगा, यही प्रोसेस आपको यहां पर लिखना है। अगला सवाल, एक्स लिमिटेड वॉज इंटेंडिंग टू इनिशिएट वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, अ डिक्लेरेशन वॉज मेड ऑन एफिडेविट, द सम ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड वेरीफाइंग फुल इंक्वायरी ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दे गिव ओपिनियन दैट कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स डेट्स इन फुल फॉर्म, प्रोसीड्स ऑफ द असेट बी सोल्ड इन द वॉलेंटरी लिक्विडेशन, एनालाइज गिवन सिचुएशन, कमेंट वेदर एक्स लिमिटेड कैन इनिशिएट वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, बिल्कुल कर सकते हैं, yes, कोई दिक्कत नहीं, वॉट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अकंपनीड विद द डिक्लेरेशन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, यह चीज को आपने याद रखना, ठीक है, आंसर एक बार चाहिए तो रीड कर सकते हो, लंबा चौड़ा आंसर दिया है, पूरी प्रोसेस ही ठोक दी है इसके अंदर, बहुत बढ़िया, एक बार आंसर रीड कर लो चाहिए तो, गो फॉर इट फास्ट, वॉलेंटरी लिक्विडेशन भी रीड किया हुआ होना चाहिए। रीड कर लिया सबने, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल, BDLK लिमिटेड डिसाइडेड टू गो फॉर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप एंड अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी अप्रोच्ड, सॉरी बोर्ड अबाउट टू टेक अ नेसेसरी स्टेप टू इनिशिएट अ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अप्रोच्ड यू फॉर द गाइडेंस इन दिस रिगार्ड, प्लीज लिस्ट आउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बिफोर अप्रूवल ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस विद स्पेसिफाइड रेफरेंस, मतलब डायरेक्ट सवाल ही है, जो मैंने आपको बोला वैसा का वैसा ही आपको लिखना है, ठीक है। अगला सवाल, मॉक टेस्ट October 19, एक्स लिमिटेड वॉज इंटेंडिंग टू इनिशिएट अ वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, अ डिक्लेरेशन वॉज मेड ऑन एफिडेविट ऑफ द सम ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड वेरीफाइंग फुल इंक्वायरी ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स डेट्स, अभी अभी हुआ ना, रिपीट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू स्टार हाउस लिमिटेड, सेम सवाल है, नियरली रिपीट है, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स के लिए इसको आपने सॉल्व करना, होमवर्क दूंगा ही मैं इसको ऑब्वियसली, खत्म, ओके, So, यहां एबीसी के सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है, सबसे पहले
आईबीसी के क्वेश्चन खत्म होते हैं तो आज का होमवर्क ले लीजिए और कल का होमवर्क आपने सॉल्व किया क्या उसके लिए सोल बुक निकाल दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, गो फॉर द सोल बुक फर्स्ट थिंग। गो फॉर द सोल बुक और तीनों सवाल सॉल्व कर लीजिए फटाफट। चलो तीनों सवाल सॉल्व कर लिए, ये सुनो सोल बुक के नाउ आज का होमवर्क मैं दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट सवाल अच्छा था सो इसको अपन बुक करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर टू आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर टू और दूसरा सवाल सेकंड सवाल है क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, ये दोनों सवाल आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, मैं इसको स्टार मार्क करके रखता हूं, ये दोनों हमको रीड भी करने हैं और सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। ओके ये आज का होमवर्क रहा, अब आप प्रिपेयर हो जाइए मेडिटेशन के लिए, यहां आपका आईबीसी खत्म होता है। आई गेस सेकंड चार्ट आपने आईबीसी का बना लिया होगा कल ही, आज आपको पूरा आईबीसी का लॉन्ग चार्ट बनाना है घर पे आराम से, तो टेंटेटिवली हाफ आवर लग जाएगा, तो आज हाफ आवर वैसे भी लेक्चर जल्दी खत्म हो रहा है तो यू कैन यूटिलाइज दैट, ठीक है। ओके फिलहाल मैं चाहूंगा कि यू गो विद द सिचुएशन और मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। So, आप सब चीजें छोड़ के मेडिटेशन में आ जाओ थोड़ा सा, फिर मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा। नेचुरल ब्रेथ पे ध्यान दीजिए, नेचुरल ब्रेथ को देखिए एक मिनट तक। नेचुरल ब्रेथ पे ध्यान, कीप फोकस्ड ऑन द आईब्रोज। जब मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ बॉडी यू हैव टू इनहेल मीडियम साइज, आई एम नॉट अ माइंड यू हैव टू एक्सहेल, और ये थॉट भी देना है। सो रेडी 1 2 3 गो। आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी इनहेल, आई एम नॉट इवन द माइंड एक्सहेल, आई एम नॉट अ बॉडी कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन आईब्रोज, I am not even the mind. Thought देना है खुद को. I am not a body. Inhale, concentration. I am not a mind. Exhale, thought देना है. I am not a body. Inhale. I am not even the mind. Exhale. I am not a body. Concentration between eyebrows.
आई एम नॉट इवन द माइंड, थॉट देना है खुद को. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. आई एम नॉट अ बॉडी, I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. Concentration between eyebrows. I am not even the mind. Thought dena hai khud ko. I am not a body. Concentration between eyebrows. I am not even the mind. Thought dena hai khud ko. I am not a body. Inhale. I am not even the mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not even the mind. Exhale. I am not a body. Thought dena hai khud ko. I am not even the mind. Concentration between eyebrows. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. Concentration eyebrows pe. I am not even the mind. Thought dena hai khud ko. I am not a body. Inhale. I am not even the mind. Exhale. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. Thought dena hai khud ko. I am not even the mind. Concentration eyebrows mein. I am not a body. Inhale. I am not even the mind. Exhale. I am not a body. Inhale. I am not even the mind. Exhale. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body.
आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. स्टॉप. नाउ इनहेल फुल्ली, आंखें बंद, मूवमेंट नहीं करना है, आंखें बंद, इनहेल फुल्ली, 1 2 3 से स्टमक को वाइब्रेट करना है, लो पिच का आ बोलना है और वाइब्रेटिंग आ बोलना है. रेडी, टेक अ फुल ब्रेथ, गो टेक अ फुल ब्रेथ, गो vibrate your belly button below 2 fingers, take a full breath, go take a full breath, go take a full breath, vibrate your stomach, go last one, make it longer, go बंद, मूवमेंट नहीं करना है, टर्न हेड अपवर्ड्स, कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में वापस आना चाहिए, इस कदर हेड को सेट कर लो, थोड़ा सा मूवमेंट करके टर्न हेड अपवर्ड्स, कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में आना चाहिए, हेड को सेट कर लो. नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, ना जानबूझ के सांस लेनी है, ना जानबूझ के सांस छोड़नी है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिर्फ नेचुरल ब्रेथ को देखना है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई थॉट आता है, नेक्स्ट बोलना है, वापस नेचुरल ब्रेथ को देखना है और कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में होना चाहिए. ठीक है, यू जस्ट ट्राई फॉर इट, फर्स्ट मेडिटेशन में होगा जरूरी नहीं है, यू कीप ऑन ट्राइंग फॉर दिस. हेड टर्न अपवर्ड, कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में, ब्रेथ की तरफ ध्यान दीजिए. ब्रेथ को देखिए, कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में.
साइलेंस को महसूस कीजिए, ब्रेथ पे ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में ही रहेगा। साइलेंस को महसूस कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में ही रहेगा। स्लोली अब दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब कीजिए, आराम से आंखें खोलिए। फ्रेश लग रहा होगा, वेरी गुड। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं और आज की जो हमारी स्टोरी है वो है डॉक्टर प्रीथा रेड्डी की। यू आर नॉट फीलिंग वेल आई गेस, लेट हर हील यू। सो जैसे भी कोरोना वायरस के अंदर एज वी हैव सीन की काफी सारे डॉक्टर्स आर द वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द नॉट कोरोना वॉरियर्स बट वेरी गुड डॉक्टर जिनके बारे में ये स्टोरी है। सो आपने शायद इनका नाम नहीं सुना होगा बट लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी। इंडिया हैज गिवन अ बर्थ टू अ ग्रेट बिजनेस मैन एंड बिजनेस वुमेन एंड डॉक्टर प्रीथा रेड्डी इज वन ऑफ देम। शी इज नॉट ओनली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स, अपोलो हॉस्पिटल सुना है, शी इज MD, बट शी इज ऑल्सो वन ऑफ द पायोनियर बिजनेस वुमन इन इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। Dr. Pritha Reddy is responsible for operations of Apollo Hospital Group and works closely with healthcare practitioners at Apollo Hospital to come up with a contemporary protocols and raise the bar on the clinical outcomes. Dr. Pritha Reddy took guidance from her father, Dr. Pratap C. Reddy, who is a pioneer of corporatized healthcare in a country, and joined Apollo Hospital as Joint Managing Director in 1989. In this position, she worked hard to enhance the competitiveness of Apollo Hospital, and in 5 years she became a managing director of the Apollo Hospital. As a managing director, she spearheaded the growth of Apollo Hospital and quaternary and tertiary care hospital and primary care of diagnostic primary clinics. Sorry, I'm mispronouncing it, and took the healthcare consulting business process, operation and healthcare technology services to whole new level. Apart from carrying out her duties as a managing director of the Apollo Hospital, Dr. Pritha Reddy works closely with the government and industry bodies to shape the policies related decisions or key healthcare issues. Under Dr. Pritha Reddy's leadership, Apollo Hospital come up with a Save a Child's Heart initiative where 5,000 surgeries have been performed on children suffering from heart diseases. Dr. Pritha Reddy is also responsible for development of Apollo Isha Vidya Rural School, which focuses on overall development of child in the rural areas. For her outstanding work and contribution to the healthcare sector, Dr. Pritha Reddy has been ranked in international list of 50 most powerful women in business, compiled by Fortune for 3 consecutive years, 2009-10-11. In addition, she has been included in her list of the most powerful women in the business, compiled by the Fortune India for 11-12-13, for foresight and contribution to the field of healthcare and social science. Dr. Pritha Reddy received a Lifetime Achievement Award from the Loyal Forum of the Historical Research. Dr. Pritha Reddy became successful in life because she had a clear purpose and was certain about her goals. She was determined to enhance the field of healthcare in India, and she did that despite of challenging life. Even after gaining success, she did not forget about underprivileged in the society. Not only did she come up with healthcare initiatives to cure the disease, but also establish educational programs for the poor. This is what we should learn from Dr. Pritha Reddy. No matter how successful we are, we should think about how we can help the poor. In addition, we should always follow our dreams and never lose a track of our goal despite the difficulties and the challenges. ये डॉक्टर प्रीथा रेड्डी का स्टोरी था। आई होप आपको स्टोरी पसंद आया होगा। शी इज नॉट दो फेमस बट अपोलो हॉस्पिटल काफी फेमस है। शी हैज टेकन अ हेल्थ केयर एजुकेशन इनिशिएटिव्स, काफी सारी चीजें इन्होंने की है इनके डैड के थ्रू जिन्होंने ये हॉस्पिटल सेटअप किए थे। स्टिल एन इंस्पायरिंग स्टोरी। अगर आपके घर पे कोई सीए की प्रैक्टिस है और आप उसको बढ़ाना चाहते हो, यू कैन टेक सम रेफरेंस फ्रॉम हर। और अगर आपके घर पे नहीं है तो आप एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट कर सकते हो या बिजनेस भी सेट कर सकते हो। सो दिस इज अ स्टोरी फॉर दैट, टू हाउ टू कैरी अ सिचुएशन। डेडिकेशन, लगन, मेहनत हर जगह पे लगी रहती है।
यहां पे भी लगेगी, ये चीज को आपने याद रखना। दर्शन करे, साइनिंग आउट, स्टोरी को याद रखना। गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।